और हमारे बैटर्स खेलना नहीं जानते तो खेलने की अदाकारी ही कर लेते। लेकिन जो भी कुछ हुआ उसको पसे पुश डालें, एक बुरा दिन था, बुरा मैच हुआ, हार गए, अब नई तैयारियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जाएं। भूल के आगे बढ़ना ही है। बात तो सही है। हमारा तो वर्ल्ड कप आज ही था इंडिया के साथ, हम इंडिया से जीत जाते, वर्ल्ड कप हार भी जाते तो हमें दुख ना होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमें दुख हुआ है कि हम आज इंडिया से क्यों हारे हैं और इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि 20-20 स्कोर भी बनाया इन्होंने, क्या किया, 150 स्कोर बनाया 30 ओवर में, उसके बाद एक आया एक गया, एक आया एक गया, ये क्या कर रहे हैं? कह रहे पहला है इनको, अच्छे से पहला है, पहला है, ये तो आपको भी पता है पहला है, मुझे भी पता है पहला है, हम किसको कहें? उनको डॉलर चाहिए, इधर से डॉलर, उधर से डॉलर, फिक्स मैच था यार, डॉलर आने थे इन्होंने, पीसीबी ने भी वही किया, वन साइडेड मैच था, इसमें क्या है, इनको इज्जत, मुल्क की इज्जत या कौम की इज्जत, इससे क्या लेना देना इनको, इनको डॉलर चाहिए। साहब मुझे जो दुबई से पता चला है कि रेट अच्छा लग गया था, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा सट्टा लगता है इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच में, और बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, उनकी जगह कोई भी और दूसरा पाकिस्तानी होता अच्छा रेट लगता तो दे देते वो, आपको पता ही है जिस तरह के इशारे जाते हैं, तौलिए से इशारा कर देते हैं, वो पीछे से तस्मे बांधने से इशारा कर देते हैं, चीजें चल जाती हैं। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब, आप गेम खेल रहे हो वहां पे, दुबई से इशारा आ जाए भाई इतने करोड़ आपको मिल जाएगा भाई, आप दुबई का आपके अकाउंट में चला जाएगा, आप दो दफा सोचेंगे यार घंटे च पैसे बढ़ने लगे, भुख ना सूझे आप, मैं पीछे पेट्रोल इतना महंगा है, मैं दुबई च फ्लैट भी लेना है, बच्चे भी पढ़ाने, क्या करोगे जी आप? ये बच्चिया ने बहुत अच्छा किया सरकार, नेशनलिज्म ते, नेशनलिज्म किन्ना कि चला लोगे तुसी? क्रिकेट में, क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान बचाना है, जरा सोचने की बात ये है, आप हर फील्ड हर डिपार्टमेंट में कोलैप्स कर चुके हैं, क्रिकेट टीम आपको नहीं कुछ दे सकती, क्रिकेट टीम ने क्या देना था? बच्चों ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, मेरे ख्याल किया, उन्होंने बेच दिया है, अच्छा रेट लग गया, उन्होंने कहा परे करो जी क्या करना है हमने। ये हर पाकिस्तानी की अप्रोच इसी तरह है हर जगह पे, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेट मैच में क्रिकेट अपना मैच ना बेचें? जब आप पूरा पाकिस्तान बेच रहे हैं, हर दफ्तर बिक रहा है, हर चीज बिक रही है, पासपोर्ट 12,000 लाहौर डिपार्टमेंट ने बेचे सऊदी अरेबिया के, अफगानियों को बेच दिए पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो चीमा साहब मैच किस तरह जीतेंगे भी आप? लेकिन हमारी रियासत कहां है पाकिस्तान की, जो इस्लाम का किला है वो कहां है, किस चीज का मतलब आप कहते हैं कि इस्लाम का किला है? इस्लाम के किले में तो दरारें पड़ गई है, क्योंकि आप अमेरिका के नीचे लेटे हुए, आप इसराइल के नीचे लेटे हुए, अब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया, और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है, दोस्तों तो ऐसा, और हमारे यहाँ मीर जाफर मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं तो वो यही हाल होता है, फलस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज है, और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज है, तो उनकी दोस्ती देखे कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी, बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ, फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, मुझे अफसोस हो रहा है बहुत, मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है, हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। जय हिंद दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच में भारत ने पाकिस्तान को पूरे मैच के दौरान जिस तरह दबाकर रखा, बॉलिंग हो या बैटिंग दोनों में ही भारत ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया। पाकिस्तान के खिलाड़ी मौलवी रिजवान ने पाक की श्रीलंका पर जीत को हमास के आतंकवादियों के नाम कर दिया था, इसलिए भारत के लोगों ने भारत की पाक पर जीत को इजराइल के नाम कर दिया है, और ये सुनकर पाकिस्तानियों का दुख दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तानी अभी भी उस हार को भुला नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टीम बिना लड़े ही मैच हार जाए। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, भारत पाकिस्तान मैच में करोड़ों सट्टा लगता है, सट्टा जीतने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत से हारी। दोस्तों पाकिस्तानियों की इन बातों पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप देखें अभी कल जुम्मे का दिन था और फलस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फलस्तीन का फ्लैग उठाकर फलस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। अच्छा। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा आवाम को, आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी फलस्तीन के लिए झंडा नहीं उठाना क्योंकि हम गुलाम है अमरीका के। अच्छा मतलब हुकूमत इसराइल को सपोर्ट? जी इसराइल को सपोर्ट, पाकिस्तानी हुकूमत। आप बता दे किसने बयान दिया, आपके किसी आर्मी चीफ ने, आपके आपके? मैंने कोई नहीं देखा। तो फिर हम तो मिनहासुल कौम इस वक्ती के इंतहा को पहुंचे हुए और हम लोग सोए हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर गैरत तो है नहीं,
पाकिस्तानी कौम तो जागेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो करता धरता है वो सब अमेरिका के पिट्ठू है। पाकिस्तान के अंदर कोई 25 करोड़ लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि हमारा इंडिया के साथ मैच है और पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, छुट्टी मनाई जा रही थी, घर में बिरयानियाँ पक रही थी और पाकिस्तान की टीम जो है वो सारी 190 पे ढेर हो गई। वहाँ पे इंडिया के अंदर जो है इंडियन जो क्रिकेट टीम है और जो लोग हैं वो समझते हैं बड़ा हमारा कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन ताड़ साहब ये कांटे का ये तो लड़ते ही नहीं है, खेलते ही नहीं है उनके साथ। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये हमारी टीम हमें बोर कर रही है, इंडियंस इंटरेस्ट ही ना लूज कर जाएंगे पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का। जिनका मुल्क जो है इस वक्त ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है फाइनेंशियली और मॉरली, बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिस मुल्क में 98% आपकी दहशतगर्दी ग्रो कर चुकी है, आईएमएफ के तलबे चाट रहे हैं, अगला प्राइम पिछला प्राइम मिनिस्टर जेल में है, नया प्राइम मिनिस्टर हवा में चक्कर लगा रहा है और पिछला प्राइम मिनिस्टर अपनी डेस्टिनेशन पे अपने मालिकों के पास पहुंच चुका है, सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है, एजेंसियां घुस घुस के लोगों को मार रही हैं, अफसर डॉलरों और रिश्वतों और डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं, लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे जीती जा सकती है। मैं उन लौंडे लपाड़ों से खिताब करना चाहता हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री से और अपने हालात से करंट अफेयर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान के आने पर जश्न मनाए थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं खासकर कि आपके यही अफगानी भाई आपके रीजन से हजारों के हिसाब से लड़कियां ले जाके काबल में मंडी लगाते थे लड़कियों की और आपने उनके झंडे यहां लगाए थे। आज मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहूं, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए हैं जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं? इनको ये नहीं पता कि ट्विटर की जंगे नहीं है? चौहान साहब, इनके डीएनए के अंदर जिहाद मौजूद नहीं है, इनके डीएनए के अंदर समिट करना है, टू सबमिसिव हैं ये सारे अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए, लेकिन बस इनको ट्विटर मिल गया है। काश पता नहीं अब ट्विटर को कहां तक ये लेकर जाएंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं जी, मतलब मुझे ये जस्टिफिकेशन करें, मैं देना मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है फलस्तीन के अंदर जो होगा मैं उसको भी जाती हूं, वो कंडे सिविलियन जब भी जहां मरेगा जो बेदोषा बंदा मरेगा मैं उसके खिलाफ हूं, मुझे यह बताएं कि हमास ने क्या किया है। यहां अमेरिका में वीडियो इस वक्त वायरल है, इस वक्त इन्होंने बच्चों को उनकी माओं के सामने मारा, उन खवातीन को फिर रेप किया और उन्हीं के फोनों के साथ उनकी टेप वीडियो बनाई, फिर उन खवातीन को मारा और उनके उनके लवाकीन को जो वीडियो है वीडियो मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है, जानवर इस तरह करते हैं चीमा साहब? फिर उन अब ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना था, उन्होंने रिटेलिएट करेंगे, पूरा पूरा वेस्ट इस पर रिटेलिएट करेगा, उस पर कर रहे हैं वो करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ये जो बच्चे आपके हैं, ये इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि आज आपको आईएमएफ वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दें तो क्या करोगे तुम आप? कहां जाओगे? व्हाट इज योर फ्यूचर?